कल कहाँ तक पहुँच गए थे? परमेश्वर क्या, परमेश्वर क्या है ना, संख्याओं में ना, संख्या चलते हैं ना अपने। अब ये बताओ, स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है? स्थानीय मान और जैसे 720 है तो दो का स्थानीय मान 110 आ जाएगा। स्थान के अनुसार जो मान होता है वो तो कहलाता है स्थानीय मान, और जो खुद का मान होता है वो होता है जाति मान। जैसे अभी सुनील है, अब सुनील यहाँ बैठा है तो क्या है, ये स्टूडेंट, ठीक है। कैंटीन में चला जाता है तो ये मैनेजर बन जाता है तो वही सुनील। स्थान बदलते पद बदल गया इसका, और इसके अलावा ये मान लो बैंक में चला जाए तो वहां पे जाके क्या बन जाए, कैशियर बन जाए। तो अपना स्थान बदला, उसके अनुसार इसकी वैल्यू बदलती गई ना, तो वो क्या कहलाती है इसका, स्थानीय मान। और जाति मान, जाति के अनुसार ये एक लड़का है, चाहे कोई सी भी जगह जाओ है, रहेगा तो लड़का ही है, उसमें चेंजेस थोड़ी आएगा, पद में ही तो चेंज आएगा, लेकिन लड़का है वो लड़का ही रहेगा सब जगह पे, तो वो क्या कहलाता है इसका, जाति मान। इसी प्रकार से यदि कोई संख्या दे रखी है आपको 2, 5, 6, 7, 8, 9, यदि यह संख्या दे रखी है आपने और इसमें कहें कि 6 का स्थानीय मान कितना है, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6000, है ना। क्योंकि इकाई ढाई सैकड़ा हजार पे बैठा है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हुआ, 6000, और इसका जातीय मान क्या हुआ, 6 है तो छक्का ही, है ना। अब अपन कहें 2, 5, 7, 6, 8, 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, अपना स्थान बदल लिया इसने, स्थान बदलते ही वैल्यू बदल जाएगी इसकी, तो कितना हो गया, 600। और जातीय मान यहाँ भी वही रहा, है ना। फिर अपना स्थान बदल ले 2, 5, 6, 7, 5, 8, 9, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 60000। ये कहलाता है आपका स्थानीय मान और जातीय मान। आगे सुन में, स्थानीय मान और जातीय मान ये होती है। इनमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग ज्ञात करो, 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो, या गुणन को पूछ सकता है या भाग को पूछ सकता है, ठीक है ना। ऐसे अपने क्वेश्चन दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बता दो। एक होता है अपने को कोई संख्या दे देते हैं या कोई कैलकुलेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि इसका इकाई हम ज्ञात करो। तो जैसे सपोज करो 256 × 589 × 1259 × 123 का स्थानीय इकाई हम ज्ञात कीजिएगा, का इकाई हम ज्ञात कीजिएगा। तो इकाई हम का मतलब इनको, इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं अपन, तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो देखो यहाँ कितना हो गया, यहाँ कौन सा आ गया, और यहाँ भी कौन सा आ गया, और यहाँ भी कौन सा आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। इनको गुणा कर लेंगे अपन, यानी इकाई के स्थान पे है सिर्फ उन्हीं को गुणा कर लेंगे अपन। इनको गुणा करेंगे कितना हो गया, 9 9 1
और छः एकम छः छत्तीस बराबर इकाई अंक क्या जाएगा, यानी ढाई अंक को छोड़ते जाएंगे सिर्फ इकाई इकाई अंक को लेते जाएंगे। आगे समझ में उतारना चाहो उतार लो, छोड़ नहीं हो तो यूँ ही लगता है तो पढ़ते हैं तब तो, लेकिन बाद में पार हो जाता नहीं। स्थानीय मान और जातीय मान तो कितना आसान सा था, क्यों भाई मुरारी? या इसको यूं कर लो, छत्तीस अठारह का आठ असल की छोड़ दी, नौ अंठा बहत्तर, बहत्तर का दो असल वाली छोड़ दी, और गलती कैसे हो गया? नौ छः चौवन होते हैं यार, नौ छः चौवन का चार और नौ नौ चौक छत्तीस का छः और छत्तीस अठारह का आठ, ठीक है ना भाई? यार बता दूं कर दोगे इस टाइप के सवाल को? इनके अलावा इसमें आ जाता है, ये आता है 253 की पावर 105 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन लोग? घात में चार का भाग क्यों देते हैं? ये तो हेराल्ड ने लिखा, हेराल्ड की बुक आती है उसमें उन्होंने लिखा और हम सारे के सारे उसको इतिहास मान के पढ़ना चालू कर दिया कि साहब चार का भाग देते हैं, तो चार का ही भाग क्यों देते हैं? दो का क्यों नहीं देते? पांच का क्यों नहीं देते? छह का क्यों नहीं देते? बताओ चार का ही क्यों देते? कारण तो होता है ना, क्यों भाई? पहला तो क्या करेंगे देखो, इसमें चार अपने पास में टोटल कितने अंक होते हैं? दस, टोटल दस होते हैं, दस में से जीरो एट पांच और छह, ये चार अंक ऐसे हैं जो इकाई के स्थान पे आते हैं तो पावर कितनी भी हो जाए इकाई काम के खुद ही रहेगा, बताइए तो इनको अपन क्या कहते हैं? पुनरावर्तित अंक या रिपीटर अंक, ये रिपीटर अंक। इनके अलावा कोई अंक आता है तो अपन उस अंक को तब तक आपस में गुणा करते हैं जब तक इन चारों में से कोई एक अंक नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है? तो तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, देखो तीन किया दो नहीं आया ना, नौ तीस सत्ताईस नहीं आया, सत्ताईस में क्या आ गया तुम्हारा? सात, और सात किए आ गया ना, तो कितनी बार गुणा करने पे आया? चार बार गुणा करने पे आया, इसलिए चार का भाग देते हैं। जो रिपीटर प्राप्त करने के लिए उस संख्या के ऊपर जो संख्या दे रखी है अपने को इकाई अंक उसके ऊपर चार का भाग देते हैं तो ही रिपीटर प्राप्त होता है, चार के घात करते हैं तो ही रिपीटर अंक प्राप्त होता है, इसलिए अपन का भाग कितने का देते हैं? चार। अगर सुन तो अपन क्या करते हैं, ये जो इकाई अंक लिखा इस पे चार का घात लगा देते हैं और जो संख्या दे रखी है उसमें चार का भाग, चार से गुणा चार से भाग कर दिया ना, ये करते हैं। अब ये क्या, ये कितना हो गया तुम्हारे पास? इक्यासी। और ये जो है इनको यदि अपन चार चार में तोड़ते जाते हैं, चार चार में तोड़ते जाएंगे तो ये क्या आता जाएगा? उससे ऊपर आता है तो अपन लोग लिख लेते, अभी उससे ऊपर देखते हैं तो अपने पास कितना आया? चार का भाग दिया तो एक हजार पांच में चार का भाग दिया, लास्ट में शेष एक बचेगा ना, एक बचेगा, तो अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पे तीन की पावर कितना कर देते हैं? ठीक है ना, इसलिए ये पावर लगाते हैं, ठीक है भाई? अब अपन लोग सीधा याद रखने के लिए, ये तो मैंने कारण बताने के लिए ही आपको बताया, बाकी सीधा तो आप वैसे ही कर लेना क्योंकि अपने वो डिस्क्रिप्टिव करना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव करना थोड़ी होगा मतलब नहीं होता ना, तो डिस्क्रिप्टिव नहीं करना फिर अपन सीधा ही ये कर लेंगे। चार मैंने आपको कारण बताया, चार का भाग इसलिए देते हैं, तो यहाँ पे एक हजार पाँच है इसमें चार का भाग देंगे तो लास्ट में से, क्योंकि हजार में तो 250 बार गया और पाँच में एक बार गया, सही से एक बच गया ना। अब अपने पास जो तीन दे रखा है इसके ऊपर पावर एक लगा दी तो इकाई अंक क्या आ गया? तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका? तीन। अगर सबको सुन लें, इनके अलावा कोई संख्या हो जैसे 256 की पावर 108 तो इकाई अंक क्या आ जाएगा?
छह ही आ जाएगा क्योंकि रिपीटन का आया आया रिपीटन और 2 5 5 आ जाता तो इकाई अंक और यहाँ पे एक हो जाता 8 और 2 5 0 होता तो 0 तो इन चारों की स्थिति में तो खुद ही रहेगा इनके अलावा कोई होता है तो आप देखो यदि संख्या ये दे देता है 2 5 3 6 की पावर 6 5 30 30 30 देखा है 0 आ गया कि नहीं आ गया यदि आप के पास आ गया 2 5 3 6 की पावर 1009 - 2 5 8 की पावर 105 तो एक क्या है तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये 6 है देखो इसके ऊपर पावर कितनी है 1002 यहाँ पे कितनी है 105 इस पूरी संख्या के ऊपर 1002 करोगे इसके ऊपर पूरी के ऊपर ये करोगे तो बड़ी संख्या ये हुई ना पूरी बड़ी संख्या तो ये हुई ना छोटी ये हुई तो बता माइनस का कैसे बचेगा पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा जो इकाई अंक है वो ज्ञात करो यहां से 6 इसका इकाई अंक क्या आ गया 8 और एक 105 में 4 का भाग दोगे तो शेष क्या बच गया अब इसके पीछे भी तो संख्या होनी और भाई इसको गुणा करते तो पीछे भी संख्या होती होती कि नहीं होती और इसके भी पीछे संख्या होती तो 16 में से 8 गए क्या बचे 8 भाई तू घटाता क्या करता बता तेरे पास यहाँ 2 होता तो क्या करता तू असल में 1 लेता है कि 2 लेता है 26 में से घटाता है कभी अरे ऊपर नीचे देख के घटाएगा तो क्या करेगा यानी तेरे पास ये लिखा हुआ है 6 2 3 5 4 इधर और भी संख्या है यहाँ ये 8 आ गया 1 3 2 ऐसे आ गया तो घटाएगा क्या करेगा तो बता 16 लेगा या 26 लेगा 16 लेगा
तो यही कृष्ण का दया जवाब। आगे बेटा सुनो, अब देखो यदि ये होता 258 + 1 आएगा 9, 8 की पावर 8, 9 की पावर 2, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक होती है? N तक। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, हाँ बेटा, 1 प्रथम संख्या, जब देखो ध्यान रखो ये कोई सी भी संख्या है ऊंचाई, अंतर समान होने प्राकृतिक संख्याओं में एक एक का, जब अंतर समान हो तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो, क्या जाएगा? औसत आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा n+1/2 और योग कितना हो जाएगा? औसत जब आ गया तो जितनी संख्या है उनसे गुणा कर दो, तो इसमें कितनी संख्या है टोटल? n, तो n से गुणा कर दो। प्राकृतिक संख्याओं का औसत और प्राकृतिक संख्याओं का योग। संप्राकृतिक संख्याओं का योग 2+4+6+8+10+12+14+16+2n, तो ये भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, तो उनका औसत लेंगे तो कितना जाएगा? n+1, क्योंकि फर्स्ट 2 हुई और लास्ट 2n हो गई, तो 2 प्लस
दो एन बटे दो ये होगा ना, इनमें से ऊपर वाले में से दो कॉमन ले देते हो तो वन प्लस एन बाई टू, टू से टू कट गया कितना आ गया एन प्लस वन आ गया ना, एन प्लस वन आ गया। और इसका योग करोगे कितना हो जाएगा, पदों की संख्या से गुणा कर दो तो इसमें कितने हैं पदों की संख्या एन, एन से गुणा करो एन ब्रैकेट एन प्लस वन, एन ब्रैकेट एन प्लस वन। अंत में क्या जाएगा 2n प्लस वन, 2n प्लस वन आएगा, इनका औसत कितना हो जाएगा, जितनी संख्या होगी उतना ही इसका औसत होगा और योग कितना हो जाएगा। देखो कैसे आएगा, एक प्रथम संख्या एक और अंतिम संख्या ही, एक प्लस 2n माइनस वन अपॉन टू यही होता ना, वन से हो सकता है कहना है कि नहीं है, और पदों की संख्या से गुणा कर दिया था स्क्वायर हो गए। वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, ये तो होता है इसका योग पर। ठीक है ना, और इसका औसत जो होता है एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, हाँ इसको समझा सकते हैं।
फिर तो बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर तेरे को वो समझने पड़ेंगे समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी उनका भी बेसिक है। और धनों का योग कर वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस फाइव का क्यूब प्लस सिक्स का क्यूब सेवन का क्यूब एट का क्यूब अंत में आ गया एन का क्यूब। ठीक है, ये आएगा इनका यदि अपन मान निकालें तो अपने पास क्या जाएगा इनका योगफल हो जाएगा एन ब्रैकेट एन प्लस वन बटे टू का होल स्क्वायर। और इसका औसत जो आता है वो आता है एन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू। डिटेल पढ़नी है इनकी तो आठवीं क्लास की बुक पढ़ दे। ठीक है भाई बता दो। इसके बाद इसमें कुछ बीजीय फॉर्मूले होते हैं वो भी कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जानते हो ना सर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर टू ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फोर ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ब्रेकेट ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल क्यूब सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ब्रेकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी बता दो।
गया बता दूं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रेकेट ए प्लस है ना ये होता है ना भाई। इसी का एक दूसरा भी होता है सबका बता दो। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो अपने को कुछ कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं, जैसे आ गया आपके पास एक बटा ए प्लस बी प्लस एक बटा ए माइनस बी बराबर क्या होता है टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस और एक बटा ए प्लस बी माइनस एक बटा ए माइनस बी बराबर माइनस टू बी अपॉन और a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस कुछ कैलकुलेशन करने में मेरे को सुविधा देना है। जैसे इस टाइप के कैलकुलेशन आते हैं ना अपने पास में वन अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री है ना, इस टाइप के जो कैलकुलेशन आती है आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में, तो इसका आ जाएगा सीधा ही ये वाला कौन सा पहला ये और प्लस एक बटा रूट टू माइनस रूट थ्री है ना। तो यदि मान लो ये आ गया तो अपने सीधा ही क्या कर देंगे इसका दो रूट दो अपॉन
सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे ना इस तरह से मतलब अगर सुनो या फिर जैसे आपके पास आ गया 2+√3 और √2 − √3 अब इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा तो अपने पास कौन सा आ गया ये फॉर्म बन गई तो सीधा ही क्या कर देंगे अपन इसका होल स्क्वायर तो 2+3+√6 अपॉन 2 − 3 3 और 2 = 5 5+2√6 बटा 5 ठीक है ना भाई अरे तो और करा क्या है यो कह रहे कि साहब अपन ऐसे क्यों जोड़ते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या करते हैं कि जो एक एक संख्या भी जोड़ सकते हैं फॉर्मूले क्यों यूज करते हैं फॉर्मूले इसलिए यूज करते हैं कि अपने को कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए फॉर्मूले और किससे बड़े होते हैं भाई अपने एक बड़ा मान लिया एक बड़ी ताकड़ी लिया है तो उसमें पूरी बोरी रख के तोड़ लिया ये कहें कि साहब पूरी ताकड़ी का क्या करेंगे 1 किलो करके तोड़ लेंगे 1-1 किलो करके तोड़ोगे तो 1 किलो तोड़ते तोड़ते शाम हो जाएगी तो उनसे बचने के लिए अपन क्या कर लिया वो छोटे छोटे ले रहे थे ना बाट उनके बजाय एक बड़ा बाट लिया है वो बड़ा बाट तो है क्यों भाई काम तो वही किए सारे बता दू तो इस प्रकार से इसकी थ्योरी हो गई थी संख्या अब क्वेश्चन चालू करें टाइम हो गया टाइम लाओ बुक ले ये बाध्यता के नियम भी बताने हैं क्या 2 से बाध्यता का नियम 3 से बाध्यता का नियम बोलो देखो कोई संख्या दे रखी है आपको 2, 4, 6, 8, 3 इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा कैसे पहचान करी इकाई के पे यदि सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा जिसमें 2 का नहीं जाएगा उसमें 4 का भी नहीं जाएगा और 8 का भी नहीं जाएगा अब अपने को ये देखना हो कि 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा तो क्या करेंगे अपन इकाई और ढाई से मिलकर जो संख्या बनी हुई है उसमें यदि 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भी जाएगा 4 तो पूरी संख्या में 4 का जाएगा यदि ये 2 संख्या है इन दोनों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में ही 8 का भाग जाएगा ठीक है ना भाई तो यहाँ पे अपने पास में क्या हुआ इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 कितनी भी हो अपन तो क्या देखेंगे इकाई और ढाई देखो 2 के लिए 1 अंक होता है तो 1 अंक ले देते हैं 4 के लिए 2 × 2 2 अंक हो गए थे 1 और 2 तो ये 2 दे दिया 8 के लिए 2 × 2 × 2 1, 2, 3 अंक ठीक है ना तो 2, 4, 8 का हो गया फिर देखते हैं अपन 2 के बाद कौन आता है 3 3 के लिए क्या करेंगे अपन दी हुई संख्या के इकाई अंकों का योग करेंगे तो ये जो संख्या दे रखी है इसका योग कर देंगे 2+4+6+8+3 इनको जोड़ेंगे जोड़ कितना हो गया 3 और 8 11 11 और 6 17 17 और 4 21 21 और 2 23 23 में यदि 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी नहीं तो नहीं ठीक है ना तो 23 में 3 का नहीं जा रहा ना तो 3 से भाग नहीं जा रहा है 3 का भी यही नियम है 9 का भी यही है और 27 का भी यही है और 81 का भी यही है 3 की घात टूट गई है पहले अपन ने क्या देखा 2 की घात टूटने वाली 3 की घात भी टूटने वाली तो 9 के लिए भी क्या हो जाएगा संख्याओं का योग वही नियम किसके लिए लगेगा 27 के लिए और वही किसके लिए लगेगा आ गया समझ में ना बेटा अब देखो
दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच। पांच में क्या आएगा, पांच का पाड़ा बोल के देखो, इकाई के स्थान पे हमेशा या तो पांच आता है या दस आता है, जीरो आता है। ये आता ना, पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह, पांच सौ बीस, इकाई के स्थान पे तो पांच या जीरो ही आता है। तो दी हुई संख्या में इकाई के स्थान पे या तो जीरो हो या पांच हो तो संख्या पांच से बातचीत हो गया। पांच का, छह का क्या नियम है भाई, छह जो है इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो और तीन, तो दो और तीन दोनों से भाज्य होगी। दिव्य संख्या दो से भी भाज्य हो और तीन से भी भाज्य हो तो यह संख्या छह से भी भाज्य होगी। मान लो दो का जा रहा है, तीन का नहीं जा रहा, दो का तो जा रहा है, तीन का नहीं जा रहा, तो तीन से तो छह से भाज्य नहीं होगी। और तीन का जा रहा है, दो का नहीं जा रहा, तो भी छह से भाज्य नहीं होगी। दो का जा रहा, तीन का जा रहा, तो छह से भाज्य होगी। क्लियर। सात का क्या नियम है, सात का नियम इतना बड़ा नियम है कि उससे अच्छा भाग ही दे दो। नियम तो है इसका, नियम क्या है, जो इकाई का अंक है दो चार छ आठ, ये लिखेंगे, इसको हटाएंगे और इसका डबल कर देंगे तो तीन दूनी छह घटा दो, ठीक है ना। ऐसे घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, लास्ट में जब अपने पता चल जाएगा कि इसमें सात का भाग जा रहा है तो वही क्या हो जाएगा, जा रहा तो सात का भाग भाजे, नहीं तो सात से नहीं भाजे। अपन ये चेक करेंगे फिर भाग देंगे, इससे बेटर भाग ही दे दें। एक एक भाई एक एक अंक को देखेंगे अपन, इसमें एक अंक से पता नहीं चल रहा है, क्रियाएं जितने अंक है उतनी ही क्रिया करनी है, तो उतनी ही क्रिया करनी है अपने को, तो उतनी क्रिया तो अपन भाग में ही कर लेंगे, फिर तो नियम का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, इसलिए इस नियम का उपयोग नहीं करते। आठ का हो गया, नौ का हो गया, दस का हो गया, अब ग्यारह। ग्यारह के लिए देखो कोई संख्या है, दो पांच चार तीन दो है, कोई भी संख्या ले लो, तो कोई संख्या है आपके पास में, इसमें इकाई के स्थान पर सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर शून्य हो या ग्यारह से भाज्य हो तो वह संख्या ग्यारह से भाज्य हो। तो यहाँ पे देखो एक छोड़ के बची हुई संख्या को ले लो, अब बच गई है ना, तो चार दो छह दो और पांच तीन आठ, कितना आ गया, जीरो। तो यार तो जीरो आ गया तो अंतर को सही बताना, तो अंतर को सही है जिसमें ग्यारह का भाग जाए, या तो जीरो आ जाए या ग्यारह आ जाए या बाईस आ जाए या तैतीस आ जाए अंतर, तो ये संख्या ग्यारह से बातें होंगी, उनको देगी, ठीक है ना। ये है इसके बाद, ठीक है भैया, बाजे बाजे बताई थी मैंने, बाजे बाजे बताते ना, तो चलो सवाल छोड़ना चालू हो जाओ, मिटा दो। थ्री एट सेवन सिक्स इंटू नाइन, नाइन से गुणा करना है तो क्या करेंगे अपन लोग, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है ना भाई, जितने नाइन होंगे यहां पर उतने ही जीरो लगा देंगे, इस संख्या को कोई घटा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नौ की जगह क्या लिख सकते थे तुम लोग, थ्री एट सेवन सिक्स है, इसकी जगह दस माइनस एक लिख सकते थे ना, अरे अपने बुटे आदमी नहीं बोलते क्या, एक कम दस है ना, तो वही तो शॉर्ट ट्रिक है, वो बुटे आदमियों से सीख क्या है, एक कम दस करते हैं ना ऐसा, तो वो एक कम दस हो गया है, एक कम दस हो गया तो इसका ब्रेकेट खोलोगे किससे, ये दस से गुणा हुआ आ गया और ये जाके एक से गुणा हुआ आ गया, इसमें से इसको घटा दो, घटाते ही आपके क्या जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा, अगर सुन। अब यहाँ पे यदि एक के बजाय डबल नाइन होता, नाइन टू नाइन होता, तो क्या करेंगे अपन, थ्री एट सेवन सिक्स माइनस, यानी यहाँ पे जो मैंने दस लिखे थे यहाँ पे कितना जाएगा, सो माइनस एक आ जाएगा, अगर ना तो यहाँ पे कितने भी नाइन हो वो नाइन होंगे उतने ही जरूर लग जाएंगे, कुछ संख्या घट जाएगी, ये गुणनखंड का यही है। आगे सुन, चलो करो दो
मिटा दूंगी। ये तो उन्हें ही करना है, इनके लिए अला के पांच का नियम ये कर रखा है कि पांच के घात करके उसका दो से गुना कर दो, दो से भाग दे दो, लेकिन उसके बजाय मेरे हिसाब से तो गुना करोगे तो ज्यादा बेटर। भाई इनको अपन ये लिखते हैं, पांच के पावर तीन, इनके लिए हम लोग कह देते हैं कि इसको ठीक बना लो, दो से गुना दो से भाग, तो यह हो गया 7946, पाँच दो दस की पावर तीन है तो तीन जीरो लगा दिया और बटे आठ कर दिया। लेकिन ये जहाँ तक आप पावर जानते हो वहाँ तक तो कर लोगे, उसके बाद तो नहीं कर पाओगे ना, तो इससे बेटर है कि पाँच से जो गुणा का नियम है उनके बजाय हम लोग क्या करें, गुणा ही करें ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि पहले तो घाट घूमते फिर होगी, फिर दो का भाग देते फिर होगी, उससे तथा होते हुए तो गुणा ही हो जाएगा, नहीं क्या, तो गुणा ही कर लो। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं 8965 × 974 + 8965 × 26। तो यहाँ पर लोग देखें, इसमें से एक कॉमन आ रहा, ये कॉमन लिया तो 8965 कॉमन दिया, 974 + 26 यही हुआ 974 में 26 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, आ गया। देखा सोल, इसमें अपन देखें कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये होगा ना 837 में से 737 गए कितने बचे, 22 के जो सवाल बच गए वो कल करेंगे हम लोग।